किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की ट्रेंच विधि से खेती अगर अक्टूबर सितंबर के महीने में की जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। ये हमारे किसान संजीव कुमार जी हैं सादीपुर के। इन्होंने ट्रेंच विधि से 4.5 फीट की दूरी पर गन्ना अक्टूबर के महीने में लगाया था। सिंगल बड का प्रयोग किया गया, 1.5 फीट की दूरी बड से बड की और लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट की। जो बड्स हैं इनको सीड ट्रीटमेंट किया गया और जो मिट्टी डाली गई गन्ने के टुकड़े के ऊपर वो केवल 1.5 से 2 इंच और नाली में पानी लगाया गया। जो फर्टिलाइजर है उसमें सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया गया, 1 एकड़ में 4 बैग, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश का और 1 बैग यूरिया का। साथ में जो जिंक है मैग्नीडेंट है 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़। और इसके साथ साथ ये विशेष तौर से ध्यान रखा गया कि जो पानी है वो केवल नाली में लगाया जाए। इस समय आप देख रहे हैं इस खेत में पानी मिट्टी चढ़ाई जा चुकी है और मिट्टी चढ़ाने के बाद जो पानी लगाया गया है जो दो नालियों के बीच में स्थान है उसमें लगाया गया। इससे ये फ़ायदा है कि जो गन्ने के नीचे की पत्तियां हैं वो अभी बची रहेंगी, जल्दी सूखेंगी नहीं और जड़ें ख़राब नहीं होंगी, जड़ों को बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता रहेगा। किसान भाइयों, इस खेत में इंटरक्रॉप के रूप में पीली सरसों भी ली गई थी। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि एक एक क्लम्प में करीब 12-13 टिलर हैं। कई क्लम्प ऐसे हैं जहाँ पे 18 से 20 टिलर्स भी हैं। 1 मीटर की गुल की लंबाई में जो ज़रूरत है वो केवल 18 से 20 गन्नों की आवश्यकता होती है, जिससे आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इस प्लाट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में भी खरपतवार हैं। इसी को अगर छोटे ट्रैक्टर को चला करके, अगर ये दूरी आपकी 4.5 फीट की है तो छोटा ट्रैक्टर चला करके मैकेनिकली बहुत आसानी से आप इस खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं, बीच की मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं और फिर इसी मिट्टी को आप आसानी से चढ़ा सकते हैं। जब किसान भाइयों आप गन्ने की जो दो लाइनों के बीच की दूरी परंपरागत रूप से 2.5 फीट कर देते हैं, 3 फीट कर देते हैं, तो उसमें ना तो मिट्टी मिल पाती है चढ़ाने के लिए, ना उसमें छोटे ट्रैक्टर चल पाते हैं, जिससे जो आपका कास्ट ऑफ कल्टिवेशन है वो बढ़ जाता है और आप ये जो आवश्यक कार्य होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। मिट्टी चढ़ाते समय किसान भाइयों आप सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश चूँकि जड़ के पास देना होता है, इसको दोबारा आप दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से प्लाट की जुताई कर सकते हैं। इसका किसान भाई जिनके पास ज़्यादा खेत है, ज़्यादा गन्ने की खेती कर रहे हैं, वो छोटे ट्रैक्टर को परचेज करके और इस चीज़ को कर सकते हैं। चूँकि एक बीघे में या 1 एकड़ में करीब 200-250 रुपये का जो डीजल है केवल लगता है और उससे आपकी निराई गुड़ाई 1 एकड़ की हो जाती है। और यही अगर मैनुअल आप कराते हैं तो इस समय करीब 3,500-4,000 रुपये एक बार में लग जाता है और समय पर जो निराई गुड़ाई है वो भी मैनुअल नहीं हो पाती है। अगर समय से आपको खेती गुणवत्तापूर्वक करनी है, ये छोटे ट्रैक्टर से आप मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, गन्ना भी ले जा सकते हैं। इसका प्रयोग आप कर लें तो खेती की जो लागत है, कास्ट ऑफ कल्टिवेशन है, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।